आप सभी लोगों को मालूम होगा कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अभी हाल ही में ही आपने देखा होगा एक घटना हुई है जिसमें आपने देखा होगा किसान नेताओं का विरोध कर रहे थे। उसमें आपने देखा है कुछ गाड़ियां आती हैं और किसानों को कुचल देते हैं। उसके बाद आपने देखा है कि कई किसानों की डेथ भी हो जाती है, यानी कि मौत भी हो जाती है। उसके बाद भारी बवाल होता है और उसके बाद आपने देखा है कि FIR होती है और FIR नाम दर्ज होता है उसमें, मंत्री जी के बेटे का नाम दर्ज होता है और मंत्री जी का नाम भी उसमें दर्ज होता है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि इतने लंबे समय होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है किसी की। जिन पर एक देखिए FIR हुई है वो खुले घूमते हैं। तो उसमें आपने देखा है कि अगर इसे जगह कोई आम व्यक्ति होता, उस पर इतनी हत्याओं का आरोप लगा होता, FIR हुई होती, तो आप सभी जानते हैं कि पुलिस ने अभी तक क्या किया होता। आपकी मकान ढह दिए होते हैं, आपके परिचितों और जो भी आपके परिजन होंगे या आप परिचित होंगे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया होता। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने यही आपने देखा होगा कि फेसबुक पेज पर मैंने लिखा हुआ था कि संविधान का भाग 3 आर्टिकल 14 यानी कि संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है। ये कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। इनका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि नियम कानून सबके लिए समान होंगे, फिर चाहे आप गरीब हों, अशिक्षित हों, शिक्षित हों, अमीर हों, महिला हो, पुरुष हो। आप समझ रहे हैं? किसी भी कीमत में आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मामले में आप देख रहे होंगे कि भेदभाव आपको दिखाई दे रहा होगा साफ तौर पर। तो किसी ने लिखा होगा नीचे, 2-3 लोगों ने कहा है कि आर्टिकल 105 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं मंत्री जी को, यानी कि सांसदों को और विधायकों को आर्टिकल 105 और 194 के तहत अधिकार मिले हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन जिन महाजन ने ये लिखा हुआ है, जिस भी व्यक्ति ने ये बातें कही हुई हैं, वो शायद पूरा आर्टिकल पढ़ना भूल गया है। देखिए, आप देखिए कि सिविल जो आपके मामले होते हैं उनमें इस तरह की संरक्षण मिल जाता है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप किसी की हत्या कर दें फिर भी आपको गिरफ्तारी ना हो आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक साधारण शब्दों में हम लोग उन्हीं उनके विशेष अधिकारों की बात कर लेते हैं और आपके देख लेते हैं कि दीवाने मामले क्या होते हैं, फौजदारी मामले क्या होते हैं, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल कई बार लिखे जा चुके हैं और ये शब्द आप देखते हैं कि आपके दैनिक जीवनचर्या में हर समय दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर हो, आप देखिए चाहे आपकी टीवी चैनलों पर हो, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग संसदीय विशेष अधिकारों को देख लीजिए। जो आपके सांसद हैं, यानी कि आप देखिए विधानसभा की बात कर लीजिए जिसमें विधायक होते हैं, विधानमंडल की बात करेंगे तो विधान परिषद भी उसमें शामिल हो जाती है। और विधान परिषद में आप देखते हैं कि आपके सभी राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश में तो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और केंद्र में आप लोग जाएंगे अगर केंद्र सरकार में, तो राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई आपकी, इनके जो भी सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार देने की बात की गई है। तो संसदीय विशेष अधिकार व्यक्ति और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार या उन्मुक्तियां हैं ताकि वे अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। देखिए, ये अधिकार इसलिए इन्हें दिए गए व्यक्तिगत रूप में या पूरे सामूहिक रूप में कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। कौन? सांसदों की बात कर रहे हैं, सांसदों की बात कर रहे हैं, विधायकों की बात कर रहे हैं। जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेष अधिकार उल्लंघन कहा जाता है और तथा यह संसद के कानून के तहत दंडनीय होता है। अब देखिए संविधान का आप लोग अनुच्छेद, जिस अनुच्छेद की चर्चा हो रही है 105, ये संसदों के लिए अनुच्छेद 105 में और राज्य विधानसभाओं हेतु अनुच्छेद 194 में दो विशेष अधिकारों, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान की बात कर रहा हूँ। और लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 100
87 के अनुरूप विशेष अधिकारों को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विशेष अधिकार की, यानी कि मान लीजिए कि आपके जो मंत्री साहब हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आप लोग इसे ले लीजिए। तो सबसे पहले व्यक्तिगत विशेष अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो चुन के जा रहे हैं और चुन के जा रहे हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जनता ने, वहां की जनता ने उन्हें चुना हुआ है। तो अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता उन्हें संसद में है, कोई नहीं रोक सकता है। संसद राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, और किसी भी सदस्य ने सदस्य सदन की चार दीवारी के बाहर कहीं भी कार्य नहीं लिया जा सकता। उदाहरणतः कानून की अदालत या सदन उनकी उसकी समितियों में विचार व्यक्त करने के लिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक संसद को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष अधिकार है और उसे संसद के बाहर इसे पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, संसद के अंदर तक ये अधिकार दिया गया है। अभी जो चर्चा में है सबसे ज्यादा वो है इसके कारण गिरफ्तारी की मुक्ति। तो आपको बता दूं किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में, यहां फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, दीवानी मामले में सदन के स्थगन के 40 दिन के पहले और बाद में तथा सदन के सत्र के दौरान भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, कार्यवाही चल रही है, उसके दौरान भी, उस समय के बीच भी किसी भी सांसद को, सदस्य को आप गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, ठीक है। उसके 40 दिन पूर्व तक और 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप लोग यहां ध्यान रखिए, दीवानी मामले की बात हो रही है। अब आपके मन में आ गया होगा दीवानी मामला क्या होता है, तो इस पर भी आप लोगों से बात कर लेते हैं। दीवानी मामले ऐसे मुकदमे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के अधिकारों के हनन, संपत्ति के हस्तांतरण या फिर अधिकार कॉन्टैक्ट या पारिवारिक विवाद से हो, सिविल या दीवानी मुकदमे कहे जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार के बारे में दो या अधिक पक्षों के बीच जो वाद शुरू होता है वह सिविल वाद या फिर दीवानी वाद कहलाता है। दीवानी मामलों को ऐसे भी समझा जा सकता है कि वे सारे कानून विवाद जिनका संबंध फौजदारी मामलों से नहीं ना हो दीवानी मामले कहे जाते हैं। जैसे आप जानते हैं किराएदार और मकान मालिक के बीच किराए के संबंध में या मकान खाली करवाने के संबंध में हुआ विवाद, ये आपका दीवानी यानी कि सिविल मुकदमा कहलाएगा। और ऐसे मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय दीवानी न्यायालय और इस तरह के मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील को दीवानी मामलों के वकील कहा जाता है, और दीवानी मामलों को सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा निपटान किया जाता है, और सिविल प्रोसीजर कोड को 1908 में पारित किया गया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, जैसे अधिकारों का हनन हो गया, या आप देखिए संपत्ति का हस्तांतरण हो गया, या आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट या परिवार का विवाद हो गया, या आप देखिए आप देखते हैं कि इस तरह के आपके किराएदार मकान के मालिक के बीच कोई विवाद होता रहता है, इनको आप लोग क्या कहते हैं, दीवानी मामले कह देते हैं। अब आपके मन में आता होगा फौजदारी मामला क्या होता है, तो याद रखिए सिविल या फिर दीवानी के मामले के अतिरिक्त अन्य सभी मामले फौजदारी मामले होते हैं। फौजदारी मामले में आप देखेंगे फौजदारी कानून के नहीं आते, इनमें वे सारे मामले आते हैं जिनका संबंध आपराधिक कृत्यों से होता है, आपराधिक कृत्यों से होता है, जिसमें आप देखेंगे हत्या, मारपीट, डकैती, छिनैती, बलात्कार आदि सभी मामले फौजदारी मामले होते हैं, और इन सभी मामलों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड के आधार पर सुनवाई होती है। आपराधिक मामले का अर्थ होता है कि भूमि के एक विचलित कानून के तहत दंडनीय अपराध है, और अपराध को भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित किया गया है, जो भारत में अपराध से निपटने के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे दीवानी और फौजदारी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि दीवानी मामले में न संरक्षण है ना कि फौजदारी। याद रखिए अगर आप देखिए कोई फौजदारी कानून अगर लागू होता है संसद जी पर, यानी कि सांसद पर, यानी कि आपके सदस्य पर, लोकसभा सदस्य हो या फिर राज्यसभा सदस्य हो, या फिर आपका विधानसभा का विधानसभा सदस्य हो या विधान परिषद सदस्य हो, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगी, या जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आप सोचिए कि आप किराए पर किसी को मकान दिए हुए हैं या फिर आप लोग किराए पर रह रहे हैं, आप दोनों के बीच अगर विवाद हो जाता है, तो इसमें देखिए याद रखिए सदस्यों को संरक्षण मिला हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मंत्री जी ने किसी की हत्या कर दी
या फिर आप देखिए बलात्कार में कहीं नाम आ गया तो उस घटना में आप देखिए उनकी गिरफ्तारी होगी, वहां कोई बचाव नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये बेहतर आप लोग समझ गए होंगे। और इसका अर्थ है कि किसी भी सदस्य को सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जिससे वह संबंधित है। ये दीवानी मामले की बात हो रही है केवल, ठीक है। गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट, सांसद या विधानसभा के सदस्यों को भी गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्राप्त है। ये भी आपको बता दूं ये दीवानी मामले में, ठीक है। अब आप लोग सामूहिक विशेष अधिकार की बात कर लीजिए, वाद विवाद और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार। संसद विधानसभा आवश्यकता पड़ने पर प्रेस को अपनी कार्यवाही प्रकाशित करने से रोक सकती है। अजनबियों को बाहर करने का अधिकार, संसद विधानसभा को किसी भी समय गलियारा से अजनबियों, कोई सदस्य या आगंतुक को बाहर करने और बंद दरवाजे में बहस करने का अधिकार है। यानी कि मान लीजिए कि हम आप गए हुए तो हमें बाहर करवा भी सकते हैं ये लोग, ठीक है। सदस्यों बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार है। भारत में संसद विधानसभा को सदन की अवमानना के दोषी लोगों को दंडित करने के लिए दंडात्मक शक्तियां दी गई हुई है। तो ये कहानी है पूरी आपकी, जो भी आपका संसदीय विशेष अधिकार है, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पावरफुल है मंत्री जी, इसलिए अभी तक उनकी बेटी की गिरफ्तारी नहीं हुई है या उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, अगर कानून के हिसाब से बात करें, और कानून के हिसाब से बात ना करें, VIP कल्चर में उन्हें रख दिया जाए तो उनकी बात अलग होती रहती है। वे बड़े लोग हो जाते हैं और वो इस तरह के कानून से बच निकलते हैं, ठीक है। और अगर हम आप होते अभी तो अभी तक हमारी गिरफ्तारी हो गई होती, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस तरह के मामले में हत्या बलात्कार डकैती के मामले में किसी को कोई संरक्षण नहीं मिला हुआ है देश में, ये भी आप लोग साफ तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हत्या मंत्री जी हत्या करवा दें किसी की और उनकी गिरफ्तारी ना हो, उन्हें भी वही कानून लागू होगा जो हम आप पर लागू होंगे। चलिए तो इसे आप लोग देखते रहिए। मुझे लगा कि ऐसा कि लोगों को शायद पूरा क्लियर तो मालूम होना चाहिए कि किन मामलों में मंत्री जी को छूट मिल सकती है, और बेटे को तो कभी नहीं मिल सकती है। एक केवल सदस्यों की बात होती है, उनके परिवारों की बात नहीं होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा।